हेलो, मैं कृष्णा। एक बार की बात है, एक सेठ के यहाँ एक कलाकार रहता था। कलाकार को बहुत पसंद करते थे, बड़े अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाया करता था। कई बार वो उनके लिए कुछ कहानियां भी लिख दिया करता था, कविताएं भी लिख दिया करता था। उनका बड़ा प्रिय होने की वजह से उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने उसको भी इन्वाइट किया कि तुम मेरी बेटी की शादी में आना। कलाकार भी अपने मालिक के प्रति, अपने मास्टर के प्रति वफादार होते हुए उनके बेटी की शादी में पहुंचा। जैसा उसकी आदत थी, वो कुर्ता पहना करता था या बहुत साधारण कपड़े पहना करता था, तो जिस तरह से रहता था, जिस तरह से पहनता था, बिल्कुल उसी तरह से पहुंच गया तो शादी में थे। मालिक ने देख लिया, जो उसका मास्टर था उसने देखा और उसने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। बड़ी देर तक वो अपने आप को नेग्लेक्ट फील करता रहा और किसी को पहचानता तो था नहीं गेस्ट में से, और जिनको पहचानता था, जिसके लिए वो स्पेशल था, जो उसको लगता था मैं उनके लिए स्पेशल हूं, उन्होंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया और उसको नेग्लेक्ट सा फील करवा दिया। बहुत लंबे समय तक वो खड़ा रहा, ना कुछ खाया ना पिया, लोगों को देखता रहा, लोगों के व्यवहार को देखता रहा, उनके व्यवहार को देखता रहा जिन्होंने उसको बुलाया था। वो पार्टी छोड़कर चला गया और गया एक दुकान में, जहां से उसने बहुत अच्छे अपने लिए सूट परचेज किया, 3-piece सूट परचेज किया और वो पहन के आ गया पार्टी में। जैसे ही उसके मालिक ने देखा, उस मास्टर ने देखा कि ये आर्टिस्ट ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और बहुत अच्छे कपड़े पहन के आ गया है, एज पर देयर स्टैंडर्ड कपड़े पहन के आ गया है, उन्होंने उसको गले लगा लिया, पास बुलाया, खाने का ऑफर किया और स्टेज तक ले गया, बेटी को ब्लेसिंग्स दिलवाई उनसे। ये सब हो जाने के बाद अब खाने का टाइम आया। जब उन्होंने खाना शुरू किया तो उन्होंने प्लेट में खाना लिया और कपड़े पर डालना शुरू कर दिया। ये ऐसी एक्टिविटी थी और इतने वो लाउडली इस एक्टिविटी को कर रहे थे कि सबकी नजर पड़ने लगी उनके ऊपर, सब उनको घूर घूर कर देखने लगे कि कैसा आदमी है, कितना बड़ा पागल है, क्यों कपड़े गंदे कर रहा है, क्यों कपड़े पर खाना डाल रहा है। उस मालिक ने भी उससे पूछा, क्यों भाई खाने को कपड़े पे क्यों डाल रहे हो? उसने कहा, सर रिस्पेक्ट मेरी नहीं है, रिस्पेक्ट तो आप इस कपड़े की कर रहे हो। अगर आपने मेरी रिस्पेक्ट की होती ना, मुझे आए हुए तो लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। जब तक मैंने नए कपड़े खरीद के, नया कपड़े पहन के नहीं आया, आपने मुझे वो सम्मान नहीं दिया, वो आदर नहीं दिया, वो मेरी प्रेजेंस को प्रेजेंस स्वीकार नहीं किया आपने, इसका मतलब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कम या मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हूं ही नहीं, इंपॉर्टेंट तो है आपके लिए कपड़े, तो जिस जो इंपॉर्टेंट है वो पार्टी में आया है और उसको मैं खाना खिला रहा हूं, क्योंकि ये खाना तो उन्हीं के लिए है जो यहां पर आपके द्वारा बुलाए गए और आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह की बातें, इस तरह की सिचुएशन हम सब ने अपने जीवन में फेस किया है और इस तरह की बातें, इस तरह की सिचुएशन हम सब अपने जीवन में फेस करते रहते हैं। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, एक बात, अमीर होना बहुत जरूरी है, पैसे कमाना बहुत जरूरी है, और इतना पैसा सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया को दिखा सके, और इसलिए भी नहीं कि अपने लग्जरी में जी सके, इसलिए कि हम अपने आप को रिलैक्स फील करवा सके, हम वो ले सके, वो पा सके, वो कर सके जो हम करना चाहते हैं, जो हम करने के लिए बने हैं। आप विदेश घूमना जाना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? आपका पैसा, आपका पॉकेट। आप बड़ा घर लेना चाहते हैं, आप जिस घर में उससे आप अच्छा नहीं लगता है, आपका पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या कुछ भी कंडीशन हो सकती है, आपके पड़ोसी अच्छे नहीं हो, कहते हैं ना फ्रेंड तो आप अपने बदल सकते हैं, चुन सकते हैं, पर पड़ोसी चुनना बदलना आपके हाथ में नहीं होता। तो ऐसी स्थिति आ गई, आपको क्या करना है? आप चाहते हैं कि नया घर ले लूं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊं, मगर आप हो नहीं पा रहे। ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है, आप नई जगह शिफ्ट हो ही नहीं पा सकते, क्योंकि जितने पैसे थे उसमें लगा चुके हैं यार, ये जिस घर में आप रह रहे हैं उसमें इतना बड़ा लोन ले रखा है आपने कि दूसरी जगह आप जा ही नहीं पा रहे। तो इससे बचने का तरीका क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, खूब 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 पैसे कमाइए, इतने पैसे कमाइए, इतने पैसे कमाइए कि आपकी कोई भी नीड अनफुलफिल्ड ना रह जाए, आपकी कोई भी नीड ऐसी ना रह जाए जिसको आप चाहते थे मैं पूरा कर लूं। आप अपने बच्चे को चाहते होंगे कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करवाऊं, विदेशों में भेज करके उसको हायर एजुकेशन दिलवाऊं, ऐसी पढ़ाई करवाऊं जिसका कि कोई दूर दूर तक कोई करीब ना चिपके,
बहुत तरह के ख्वाब हर आदमी के होते हैं, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग ख्वाब हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, मगर वो सब जाकर के रुक जाती है वहां पर जहां पर आ जाता है पैसे का बात, रोक लेती है हमें पैसा। तो पैसा कमाए कैसे, मैं हर वीडियोस में अलग अलग तरीके बता रहा हूं आपको, मगर बेस तो सबका वही है जो सारे बताते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कैसा लगता है जैसे सारे मोटिवेशनल स्पीकर, सारे लर्निंग स्पीकर एक दूसरे की कॉपी करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, कॉपी नहीं करता कोई किसी की, मगर थ्योरी कैसे बदल देगा कोई सबकी, थ्योरी तो ही रहेगी ना। आप उसको एक्सपेरिमेंट अलग अलग करके उसको प्रूव अलग तरीके से कर सकते हैं, तरीके तो वही है कमाने के, उस तरीके को चेंज कर पाना आसान नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, तरीके कैसे बदल देंगे, वही है पैसे कमाने का भी तरीका, तो वही है विजुअलाइज करना पड़ेगा, गोल सेटिंग करना पड़ेगा, वाई ढूंढना पड़ेगा, हाउ ढूंढना पड़ेगा। आपको नहीं ढूंढेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा पैसा, क्लियर फंडा है। पैसे से पैसा बनाना पड़ेगा, आपको घर में बैठना पड़ेगा और पैसे को काम पर लगाना पड़ेगा, पैसे को कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी, जो प्रिंसिपल को कभी डूबने नहीं देना पड़ेगा, जितना भी पैसा आएगा उसको दोबारा से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल फिक्स्ड तरीके हैं, मगर करना कैसे है, किया कैसे जाए, वो करने के तरीके आपको अलग अलग लोग अलग अलग तरीका बता सकते हैं, मगर थ्योरी चेंज नहीं कर सकते। मैं भी थ्योरी चेंज नहीं कर सकता, तो मैं एक तरीका और आज आपको समझाने आया हूं, पैसा कैसे कमाया जाए और पैसा कैसे कमाया जाए। इसके लिए आपको सॉल्यूशंस ढूंढने शुरू कीजिए, प्रॉब्लम सर्च कीजिए। मैक्सिमम लोगों की आदत क्या होती है, एनवायरमेंट में सिचुएशन ऐसे ऐसे ढूंढते हैं, लोगों में ऐसी ऐसी कमियां ढूंढते हैं कि देखो ये दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दिक्कत है, सफाई की बड़ी बड़ी भयंकर गंदगी है हमारे अगल बगल, नदियां बहुत गंदी हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है जो हमें होना चाहिए था। हम लोग प्रॉब्लम्स बताते हैं, लगातार प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम सोचते रहते हैं, प्रॉब्लम ढूंढते रहते हैं, प्रॉब्लम बताते रहते हैं, मगर यदि जो लोग भी सक्सेसफुल हुए, जो लोग भी पावरफुल हुए, जो लोग भी अमीर हुए हैं, उन लोगों ने प्रॉब्लम पे ढूंढा है, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस भी ढूंढे हैं, उनके सॉल्यूशंस ढूंढिए, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जो भी प्रॉब्लम आपको दिखती है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, ओला और उबर, उबर ने एक प्रॉब्लम देखा कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर अपनी गाड़ी है तो भी अगर आदमी नहीं यूज करना चाहता, मन नहीं है ड्राइव करने का, या फिर नहीं है गाड़ी और चाहता है एक जगह से दूसरी जगह जा सके, तो जो पुराना जो हमारा टैक्सी सिस्टम था उसमें गराज टू गराज के पैसे देने पड़ते हैं। गाड़ी यदि आपके घर से चली है तो भले ही आपने रास्ते में 60 किलोमीटर बाहर जाकर उतर गए हो, मगर आपको वापस 60 किलोमीटर का पैसे जोड़ लिया करता, मतलब 120 किलोमीटर के आपको पैसे देने पड़ते थे। पुराना टैक्सी सिस्टम यही था, और अभी जो भी टैक्सी सिस्टम पे काम कर रहा है वो इसी सिस्टम पे काम कर रहा है। उबर ने इस चीज को समझा, उबर ने कहा कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, और उन्होंने नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया और वो सक्सेसफुल हुआ, उसी को ऑलमोस्ट कॉपी किया ओला ने इंडिया में, वो भी सक्सेसफुल हुआ। तो प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ता है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं। उसी तरह फूड डिलीवरी ऐप, किसी को बताने की जरूरत नहीं क्या काम कर रहे हैं, बना बनाया खाना आपके घर पहुंचा रहे हैं, उसके बदले आपसे एक नॉमिनल अमाउंट ले रहे हैं और उस रेस्टोरेंट वाले से भी अमाउंट ले रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। होम डिलीवरी ऐप वही काम कर रहे हैं, Amazon वही कर रहा है, Flipkart वही कर रहा है, ये बड़े बड़े जो चेन ऑफ मॉल्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, सारे दुकानों को एक जगह एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाकर रख दिया। आपको सब्जी लेना हो ये, आपको सोना खरीदना हो, कहीं नहीं जाने की होता, एक सिंगल मॉल में जाइए, खाइए, पीजिए, शॉपिंग कीजिए, मूवी देखिए, रिलैक्स करिए, आप वहां जाके स्पा करवाइए, रिलैक्स होकर के घर लौटिए, सब कुछ सिंगल वॉल के अंदर। सॉल्यूशन ढूंढा है लोगों ने, तो आपको भी प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा, और सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढने से बात नहीं बनेगी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सॉल्यूशन यदि ढूंढ लेंगे पैसे छाप देंगे। आज कोई भी पढ़ाई आप लोगों के मन में एक ऐसी फीलिंग भी है ना, हमारे हम लोग मैंने देखा है लोगों को बोलते हुए, पैसा तो अमीरों अमीर के जिनके पूर्वज अमीर होते हैं या हमारे फोर फादर अमीर होता है, फादर अमीर होता है, वही लोग अमीर हो पाते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं। कलाकार में भी यही बोला जाता है, जो फिल्म स्टार अच्छा कर रहे हैं उनके पहले के लोग अच्छा कर रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस चीज को आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, मैं किसी का एग्जांपल ले लीजिए जो वर्तमान में जो अमीर है, अब बिल गेट्स का एग्जांपल ले लीजिए, उनके पापा अमीर नहीं थे, उनके ग्रैंडपेरेंट्स अमीर नहीं थे, आप इलॉन मस्क का एग्जांपल ले लीजिए, कोई अमीर नहीं था उसके लाइफ में, आप स्टीव जॉब्स का एग्जांपल ले लीजिए, आप
फेसबुक के ऑनर जुकरबर्ग का एग्जांपल ले लीजिए, क्या इनके पेरेंट्स अमीर थे? क्या नहीं थे अमीर? सारे मिडिल क्लास के या पुअर क्लास के लोग थे सब, जो आज विश्व के सबसे अमीर लोग बने बैठे हैं। एमेजॉन के मालिक नहीं थे अमीर उनके पेरेंट्स, इन्होंने अपने मेहनत से अपने बलबूते से अमीर हुए। इन सब ने जितना ही मैंने नाम लिया, कि एक भी नाम ऐसा नहीं है जिन्होंने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं ढूंढ के निकाले। किसी का नाम ले लीजिए आप, जितने भी मैंने अपना नाम लिया अमीरों के, सब ने प्रॉब्लम ढूंढा, उसके सॉल्यूशन निकाले। एलन मस्क ने अभी स्पेसएक्स लॉन्च कर दिया, उसने प्रॉब्लम ढूंढा, उसने कहा कि इन लोगों का पैसा है, लोग जाना चाहते हैं, मून पर जाकर के अपने प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, मार्स पर लोग जाना चाहते हैं, लोग स्पेस ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, लोग की इच्छा है, लोग में पैसा है, करना चाहते हैं, आप रोक नहीं सकते, मगर ऑप्शन नहीं देंगे तो कैसे करेंगे। उसने स्पेसएक्स लॉन्च किया और सक्सेसफुल हुआ है। और क्या क्या मिलेगा रिजल्ट आने वाले समय में? उसको पुलिस में मिलेगा, जम के पैसा छापेगा, और ऐसे भी कम पैसे नहीं छापे हैं एलन मस्क ने। मैं बस आप लोगों से कह रहा हूँ, ये परसेप्शन जो दिमाग में बैठा लिया है ना, ये बायस जो हो गए हैं ना आप लोग, कि पैसा ही, पैसे वाला ही पैसा बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। दो चार एग्जाम्पल मेरे को लेकर के ना, इस तरह की धारणा मत बनाइए। धीरू भाई अंबानी भी कोई बड़े अमीर आदमी नहीं थे, उनके बच्चों की बात भूल जाइए तो, उनके पिता ने छोड़ के गए हैं तो स्थिति अलग है, मगर खुद अंबानी बड़े स्ट्रगल से पैसे कमाए थे, उन्होंने भी सॉल्यूशन ढूंढा था, उन्होंने कपड़े में सॉल्यूशन ढूंढा, हर चीज में सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन, मगर मेहनत मत बंद कीजिएगा, लगे रहिए, सफलता मिलेगी और एक दिन आप भी सफल होंगे जैसे ये सारे सफल हुए हैं।